बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी के मिश्रा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। के मिश्रा ने कहा कि निकाय और पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए विधायकों की तरह पार्षदों और सदस्यों को भी खरीदने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही के मिश्रा ने बीजेपी पर स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। देखिएगा, जिस पार्टी की बुनियाद भ्रष्टाचार के पैसों पर जनप्रतिनिधियों की खरीदी पर टिकी हुई है, वो सब कुछ कर सकती है। जब विधायकों को खरीद रहे हैं तो वो इसमें भी कोशिश करेंगे, मगर वो कोशिश नाकाम रहेगी। हमारा सीधा आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए और परिणामों को प्रभावित करने के लिए बंद किए गए थे। अन्यथा विश्वसनीय कथन जिला निर्वाचन अधिकारी दें, जिससे पब्लिक भी विश्वास कर सके, हम भी विश्वास कर सकें कि प्राकृतिक प्रकोप से लाइट बंद हुई, कैमरे बंद हुए, या मानवीय प्रकोप से हुआ है।